हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 क्वेश्चन 3 कर रहे हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ, राइट, उसका फर्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 3 फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ, राइट। क्वेश्चन 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट वन है 3 raised to 0 प्लस 4 raised to -1 इंटू 2 square, राइट। तो 3 raised to 0 मतलब क्या होगा, 1, ओके। और 4 raised to -1 तो 1/4 इंटू 2 square, राइट। 2 square होगा 4। तो यहाँ हमने क्या क्या यूज़ किया वो लिख देते हैं। 8 raised to 0, एनीथिंग रेस टू ज़ीरो आंसर होता है 1। 8 raised to -m होता है 1/8 raised to m, राइट। 1 + 1/4 क्या होगा, 5/4 इंटू 4, ये दोनों कट, तो आंसर आएगा 5। तो फर्स्ट का आंसर 5 मिलेगा। देन सेकंड वे आर डूइंग, सेकंड में क्या है, 2 raised to -1 इंटू 4 raised to -1 डिवाइड बाय 2 raised to -2, ओके, दैट इज इक्वल टू 2 raised to -1 2 square -1 डिवाइड बाय 2 raised to -2 इज इक्वल टू 2 raised to -1 2 × -1 − 2 होगा 2 raised to -2 आएगा इधर, डिवाइड बाय 2 raised to -2, राइट। तो कौन सा रूल हमने यूज़ किया यहाँ पर, 8 raised to m whole raised to n इज इक्वल टू क्या होगा, 8 raised to mn, ओके। देन दैट इज इक्वल टू 2 raised to क्या आएगा, -1 − 2, ओके। दोनों को ऐड कर देंगे हम, डिवाइड बाय 2 raised to -2 दैट इज इक्वल टू 2 raised to -3 −−2 हो जाएगा, तो 2 raised to -3 + 2 हो जाएगा, तो 2 raised to -1, राइट। तो यहाँ पर हमने कौन से रूल अप्लाई किए, ये लाइन में 8 raised to m इंटू 8 raised to n होगा, तो 8 raised to m + n लिखते हम, ओके। फिर यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई किया वो लिखते हैं, राइट। इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर डिवाइड वाला रूल अप्लाई किया हमने, 8 raised to m डिवाइड बाय 8 raised to n इज इक्वल टू 8 raised to m − n, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 2 raised to -1 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2, ओके। तो इसमें भी 8 raised to -m 1/8 raised to m होता है, इसका यूज़ किया हमने। देन नंबर 3 वी आर डूइंग, नंबर 3 में दिया है 1/2 raised to -2 प्लस 1/3 raised to -2 प्लस 1/4 raised to -2। तो माइनस का प्लस करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/1 raised to 2 3/1 raised to 2 4/1 raised to 2, राइट।
तो 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, तो 13 plus 16 कितना होगा 29। ओके, देन फोर्थ वन वी आर डूइंग, इसको ऊपर ले जाएंगे। फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ इज गिवन 3 raised to -1, 4 raised to -1, +5 raised to -1 whole raised to 0। तो इसका हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/5, राइट। तो कौन सा रूल हमने अप्लाई किया वो लिख देते हैं। a raised to -m इज इक्वल टू 1/ a raised to m, राइट। तो एनीथिंग रेज टू 0 आंसर इज 1, राइट। a raised to 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ये रूल अप्लाई किया। देन नंबर 5 करते हैं, -2/3 raised to -2 होल स्क्वायर। तो माइनस को प्लस करते हैं तो 3/-2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। पावर प्लस और उसका भी स्क्वायर, राइट। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, a raised to -m इज इक्वल टू 1/a raised to m, राइट। इसको भी ऊपर ले जाएंगे हम, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 3 square upon -2 square और फिर हो जाएगा होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर रूल हमने अप्लाई किया ये upon b whole raised to m, a raised to m upon b raised to m, राइट। देन 3 square whole square और नीचे हो जाएगा -2 square whole square, तो क्या हो जाएगा 3 raised to 4 और 4 square, या तो -2 raised to 4 भी लिख सकते हैं, -2 raised to 4, राइट। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, a raised to m whole raised to n, तो a raised to mn, राइट। सो फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 raised to 4 कितना होगा, 81। -2 raised to 4 कितना होगा, 16, राइट। मतलब 3 को 4 बार किया और -2 को 4 बार किया मल्टीप्लाई, ओके। तो दिस इज़ अवर आंसर, ओके। देन उसके आगे नेक्स्ट में कर दें।